अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही, जहां बड़े तालाब में एनजीटी का दखल। बड़े तालाब में अब सिर्फ पैदल बोट चलेगी। आपको बता दें कि क्रूज और मोटर बोट पर रोक लगाई गई है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। भोज वेटलैंड नियम के मुताबिक निर्देश दिए गए हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम सहित दो एजेंसियों को फरमान भी जारी कर दिए गए हैं और 3 महीने के अंदर आदेश का पालन करना है। बफर जोन के कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो अब बड़े तालाब में एनजीटी का दखल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब सिर्फ पैदल बोट बड़े तालाब में जो है चलेगी, ऐसे निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। क्या है इसकी वजह और कब तक ये निर्देश जो है ऐसे ही रहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, बड़ा तालाब हम कह सकते हैं भोपाल की शान है, बहुत सारी बोटें यहाँ पर चलती है, क्रूज चलती है, मगर अब एनजीटी ने यहाँ पर दखल दे दिया है और बताया जा रहा है कि अब सिर्फ पैदल बोट ही बड़े तालाब में चलाई जाएगी। इस प्रकार के निर्देश यहाँ पर एनजीटी ने दिए हैं। अस्मिता, न केवल भोपाल की शान बल्कि मध्यप्रदेश की शान कहा जाता है भोपाल के बड़े तालाब को, जिसे बचाने की कवायद अब एनजीटी ने शुरू कर दी है। एनजीटी ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि भोज वेटलैंड के तहत जो नियम है उनका पालन होना चाहिए। इसके साथ ही जो बड़े तालाब का बफर जोन है, बहुत तेजी से अवैध निर्माण होता जा रहा, तो इस तरह के अवैध निर्माण पर कंट्रोल करना और उसको तोड़ने के निर्देश भी एनजीटी के द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं, जब भी हम बड़े तालाब जाते हैं तो वहाँ पर जो पैरों से चलाने वाली बोट्स होती हैं वो तो है ही, इसके साथ ही मोटर बोट भी चल रहा है वहाँ पर, क्रूज भी चल रहा। क्रूज तो कुछ सरकारी एजेंसी मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के द्वारा चलाई जाती है। तो एनजीटी ने एक सख्त टिप्पणी की है कि यहाँ पर क्रूज मनोरंजन के लिए नहीं, उद्योग के लिए चलाया जा रहा है और इससे लोग जो संस्थाएं हैं वो पैसा कमाना चाहती है। तो एनजीटी ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि अब केवल बड़े तालाब में पैदल से चलने वाली बोट, यानी कि पैदल बोट ही वहाँ पर चलाई जानी चाहिए। इसके जो निर्देश हैं वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिए गए हैं एनजीटी के द्वारा कि आप 3 महीने के भीतर हमारे द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन कीजिए। इसके साथ ही नगर निगम के साथ ही दो अन्य एजेंसियों को भी इसमें रखा गया है, उनसे कहा गया है कि अवैध निर्माण जो तेजी से बड़े तालाब के बफर जोन में निर्मित हो रहा है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कीजिए और बड़े तालाब की जान या कहें भोपाल की शान को बचाने के लिए सब संस्थाएं जिम्मेदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन कीजिए। तो एनजीटी की ये सख्त टिप्पणी है, क्योंकि अगर जिस तरह के नियम जो निर्देश दिए गए हैं, जो आदेश दिए गए उनका पालन होता है तो भोपाल का जो बड़ा तालाब है जो कि अपने अस्तित्व की लड़ाई इस समय लड़ रहा है, भोपाल के बड़े तालाब में अधिकतर गतिविधियां संचालित हो रही जो कि व्यावसायिक हैं, पर्यटकों के नाम पर शुरुआत की गई थी और बड़े तालाब के जो खूबसूरती है, जो बफर जोन है वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम देखेंगे नुकसान बढ़ती जाएंगे, क्योंकि जैविक जो गतिविधियाँ होती हैं उसका भी नुकसान होता है जब, क्योंकि जब क्रूज चलता है तो उसकी जो मोटर होती है, उसकी मोटर की जो आवाज़ होती है उससे वन्य जीवों पर इफेक्ट पड़ता है। तो एनजीटी ने सभी पहलुओं का ध्यान रखा, उसके बाद इस तरह का आदेश दिया है। बिल्कुल भाई, अब देखना खास होगा कि निर्देशों का पालन कब तक होता है और क्या अच्छी तरीके से निर्देशों का पालन हो पाता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां बड़े तालाब में केवल जो है पैरों से चलने वाली बोट चलेगी, ऐसे निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं।